शिवपुरी शहर में महज 150 रुपए की उधारी मांगने पर एक चाय वाले पर खौलती हुई चाय एक युवक ने फेंक दी, जिससे चाय वाला गर्म चाय से बुरी तरह जल गया। घायल चाय वाले को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिला अस्पताल में उपचार करा रहे देवेंद्र प्रजापति नर ने बताया कि वह गांधी पार्क स्थित सब्जी मंडी के गेट पर चाय की दुकान करता है। मेरी दुकान पर एक युवक अक्सर चाय पीने आता रहता था, उसके बाद उस युवक ने उधार करना शुरू कर दिया था। इस युवक को मैं चेहरे से पहचानता हूँ। आज रविवार की सुबह वही युवक चाय पीने दुकान पर आया था। मैंने उससे चाय की उधारी के 150 रुपये देने की बात कही। इसी बात से भड़के युवक ने गैस चूल्हे पर रखे खौलती चाय से भरे बर्तन को मेरे ऊपर फेंक दिया, जिससे मैं झुलस गया। देवेंद्र ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराने की बात कही है। कहाँ रहते हो? हम लगन बाबू होटल। क्या हो गया? चाय पैक पे चला गया। क्यों? पैसे की उधारी थी। तो तुम चाय की दुकान करते हो? तुम चाय तो तुम्हारी पूरी चाय पैक पे चला गया हत्ते की। क्यों? पैसे मांगे तुमने? नाम मालूम है? नाम मालूम। दुकान कहाँ है तुम्हारी? गांधी पार्क सब्जी मंडी गेट। सब्जी पहले भी लेने आता हो ना? कितने पैसे थे तुम्हारे? 150 रुपये। उसके ऊपर चाय पैक दो। नाम मालूम है उसका? नहीं मालूम। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या? मुकेश प्रजापति। दुकान का नाम क्या तुम्हारी का? आकाश टी सेंटर।